हेलो गाइस, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सूरज मैथमेटिक्स। क्लास टेंथ मैथ चैप्टर एक प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक एक देखेंगे। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति है। तो इसको बिना लंबा प्रक्रिया किए हुए हम लोग इसको हल करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1.4 को सॉल्व करने से पहले एक रूल देख लेते हैं। शॉर्ट विधि से बनाना है ना, लंबा विधि नहीं बनाना है। तो देखते हैं, लिखते हैं यहाँ नोट। यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2n या 5nm या 2m गुना 5n अथवा 2n गुना 5n में से कोई भी रूप में हो तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 पे पावर कुछ भी रहेगा और 5 पे पावर कुछ भी रहेगा तो ये शांत होगा। हर मतलब बट्टे में जो होगा उसमें 2 में आना चाहिए और 5 में आना चाहिए। तब देखिए, सवाल उतार लिए, अब क्या करेंगे। इधर रफ में थोड़ा सा इसका एलसीएम लेते हैं। 31 25 का 5 बार में खाएगा कितना हो जाएगा, 625, फिर 5 बार में 125, फिर 5 बार में 25, फिर 5 बार में 5। अब इसको लिख देते हैं यहाँ पे 13/, इसको एलसीएम को लिखेंगे 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 कितना है, 5 गो है, तो 5 गो लिख दिए। अब क्या करेंगे, 13/5 चढ़ा देंगे तो हो गया। देखिए, ये 5 में आया है तो इसका शांत होगा, तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 5 पे पावर 5 है और इसे 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो नीचे लिखेंगे अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। देखिए, पहला सॉल्व हो गया। अब सेकेंड नंबर हल करते हैं। क्या करेंगे, 8 का इधर रफ में एलसीएम लेते हैं, 2 बार में 4, फिर 2 बार में 2। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं 17/, इसको लिखते हैं एलसीएम को 2 × 2 × 2। अब क्या करेंगे, इसको क्यूब कर देंगे 2 पे पावर 3, 17/2 पे पावर 3। देखिए, ये 2 के रूप में आया है, 2 पे पावर m, तो ये हो जाएगा शांत हो जाएगा। क्या क्या चीज़ में शांत होता है, 2 और 5 में शांत होता है। अगर दूसरा संख्या रहेगा, अगर 5, 7, 8 पे पावर कुछ भी रहेगा तो उसमें वो शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर 3 है और इसे 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। सेकेंड नंबर सॉल्व हो गया, अब थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए इसका एलसीएम निकालते हैं, 455 का कई बार में खाएगा, 5 बार में 91 हो जाएगा, फिर 7 बार में 13 हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं यहाँ पे 64/, इसको लिख देते हैं एलसीएम वाला को, 5×7×13। देखिए इसमें क्या क्या आना चाहिए तब शांत होता, 5 और 2 आता तो शांत होता, कहें कि इसमें 7 है 13 है तो ये क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5×7×13 है, और इसे 2×m×5×n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो लिखेंगे अतः यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। देखिए थर्ड नंबर भी हो गया, अब फोर्थ नंबर हल करते हैं। देखिए 1600 का एलसीएम लेते हैं, 2 बार में 800, फिर 2 बार में 400, फिर 2 बार में 200, फिर 2 बार में 100, फिर 2 बार में 50, फिर 2 बार में 25, और 5 बार में 5। अब यहाँ लिखेंगे 15/, एलसीएम को लिख देते हैं गुना के रूप में, कै गो 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो, 2×2×2×2×2×5×5 लिख दिए। अब इसको पावर के रूप में लिख देंगे, 15/2×6×5×2। ये 2×6 आया है, × 5×2 आया है, तो ई तो फॉर्मूला में आ जाता है, तो ई तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2×6×5×2 है, और यह 2×m×5×n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो लिखेंगे अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। अब 5वां नंबर हल करते हैं, एलसीएम लेते हैं 343 का, कई बार में खाएगा, 7 बार में खाएगा, 49, फिर 7 बार में 7। अब इसको एलसीएम को लिखते हैं, 29×7×7×7, 7×3 आया है, तो ई तो ओ शांत हो जाएगा, क्योंकि ई तो 7 है। शांत वाला में नियम क्या है, 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 7×3 है, और 2×m×5×n के रूप में व्यक्त
नहीं किया जा सकता है, तो लिखेंगे अतः यह एक ओ शांत दशमलव प्रसार है। पांचवा नंबर हो गया, अब छठा नंबर हल करते हैं। देखिए छठा नंबर में पहले से निकाल के दिया हुआ है 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 2, तो इसको सिर्फ भाषा लिख देते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड दू पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2 है और इसे 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो लिखेंगे अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। अब सातवां नंबर हल करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, दो चीज़ तो सही दिया हुआ है, 2 पे पावर 7, 5 पे पावर 7। इधर अगर ई वाला नहीं रहता 7 पे पावर 5 तो ई शांत हो जाता, तो ई दिया हुआ है तो ई क्या हो जाएगा, ओ शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे भाषा सिर्फ इसमें हार का अभाज्य गुणनखंड दू पे पावर 7 गुना 5 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 5 है और दू पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो लिखेंगे अतः यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। अब आठ नंबर हल करते हैं, ऊपर नीचे तोड़ते हैं। 6 को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3, अब 15 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 3। तो देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2 पे पावर 5। देखिए ये 5 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, कहे कि 5 में पावर कुछ भी रहेगा तो वो शांत हो जाता है, और 2 पे तो यहाँ देखिए कुछ भी नहीं तो 1 है, तो नियम के अनुसार ये शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे भाषा इसका हर का अभाज्य गुणनखंड पांच है और इसे 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो लिखेंगे अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। अब 9 नंबर हल करते हैं। देखिए 50 का एलसीएम लेते हैं,
दो बार में 25, फिर पांच बार में 5 × 25 तो लिखेंगे 35 को भी तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5 × 7, 7 × 5 = 35 हो गया। अब इसको एलसीएम को लिखते हैं 2 × 5 × 5, ई वाला 5 कैंसिल हो गया, ई वाला शांत हो जाएगा कहीं कि 2 × 5 के रूप में है तो ये फॉर्मूला में नियम में आ जाता है। तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 × 5 है और इसे 2 × m × 5 × n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो लिखेंगे अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। अब 10वां नंबर हल करते हैं। देखिए 210 का एलसीएम लेंगे, दो बार में कितना हो जाएगा 105, फिर 3 × 35, फिर 5 × 7, 77 को भी तोड़ेंगे तो क्या आ जाता है 11 × 7 = 77, 7 × 11 बट्टे ये सब को लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 7। देखिए 7 तो कट जाता है, 3 बच जाता है तो ई वो शांत हो जाएगा, कहें कि अगर 3 नहीं रहता तो शांत होता। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 5 है और इसे 2 × m × 5 × n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो लिखेंगे आता यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। धन्यवाद दोस्तों।